इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। तस्वीर न्यूज पीआर आपको दिखा रही है कि सीएम नीतीश कुमार साफ तौर से पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं। और उस समय सीएम नीतीश कुमार जिस समय पहुंचे हैं उस समय सीएम नीतीश कुमार अपने गाड़ी पर नहीं बैठे, समर्थकों से मिले। देखिए एयरपोर्ट के पास जो तस्वीर और जो भीड़ आप देख रहे हैं वो समर्थकों का भीड़ है। सीएम नीतीश कुमार के अध्यक्ष पद पर आने के बाद, यानी जदयू में अध्यक्ष पर ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर काबिज हुए हैं, जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार आज पटना एयरपोर्ट पहुँचे। तस्वीर आप साफ तौर से देख रहे हैं कि भीड़ कितनी भीड़ है, समर्थकों में खुशी है, हर्षोल्लास है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि बहुत ही अच्छी बात है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से उस सत्ते पर काबिज हुए हैं। जदयू बेहतर ढंग से धरातल पर काम कर रही है। 2024 और 25, यानी यूं कहिए कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें एक बार फिर से समर्थक सीएम नीतीश का ही चेहरा देखना चाहती है कि सीएम नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हो। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीर पटना एयरपोर्ट से निकल कर आई, तस्वीर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से समर्थकों का जैन सैलाब उभ रहा है। समर्थक सीएम नीतीश से मिल रहे हैं, गुलदस्ता दे रहे हैं। तस्वीर आप साफ तौर से देख रहे हैं, पटना एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी, यानी सीएम नीतीश के सुरक्षा में तैनात सभी सिक्योरिटी के पसीने छूट गए ठंड में। आप तस्वीर साफ तौर से देख सकते हैं कि कितनी कड़ाके की ठंड में सीएम नीतीश कुमार खुद अभिनंदन लेने के लिए गाड़ी छोड़कर कुछ देर के लिए पैदल चले, वो लोगों से मिले, मिलने के बाद लोगों की खुशी देखे और सिक्योरिटी चारों तरफ सुरक्षा के करे इंतजाम। आप तस्वीर में साफ तौर से देख सकते हैं। और इतनी कड़ाके की ठंड में सीएम नीतीश कुमार के चाहने वाले पटना एयरपोर्ट पहुँचे। एयरपोर्ट के बाहर तक यह भीड़ देखने को मिला। और सीएम नीतीश कुमार के ठीक बगल में आप ललन सिंह की तस्वीर देख सकते हैं, न्यूज़ पीआर आपको दिखा रही है। ललन सिंह भी नीतीश कुमार के साथ ही मौजूद रहे और उस भीड़ का हिस्सा बने।